हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन पहाड़ी व्लॉग्स। दोस्तों आज का व्लॉग बड़ा ही मजेदार होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसका रीजन गाइस ये है क्योंकि हम एक नया रूम ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हमें अपना नया रूम शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारा अभी काम घर का जो है घर बनने वाला है, तो जल्दी वहां पर काम चलेगा, तो यहां से बहुत ज्यादा दूर हो रहा है। अब अप एंड डाउन करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ना एक मैरिज हॉल बना है बहुत बड़ा, यहाँ पर शादियां चलती रहती है, तो जिस वजह से हल्ला गुल्ला बहुत होगा और हम काम नहीं कर पाएंगे, आपके वीडियोस नहीं बना पाएंगे, जिस वजह से तो हम प्रॉपर तरीके से वीडियो बना पाए ताकि हमारा काम भी ना रुके और हमारा घर भी बन जाए। तो इसीलिए हम नया रूम देखने जा रहे हैं और उसके बाद आपको लेके चलेंगे, बहुत ही सीक्रेट जगह, तो ब्लॉग पर बने रहे। अब गाइस यहाँ पर ना पतियों की इज्जत नहीं हो रही है और ये बेइज्जती करे जा रही है पतियों की। देखो यार, जूते पहनते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन कैमरा खुलने से पहले मारने के लिए तैयारी हो रही थी। जूता खोलने से पहले मैं अपने बाल ठीक कर देती हूँ। अनु कुछ बोल यार। अनु तो डाकू बन गया, पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या कि हमें फंसते हैं, लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि लड़कियां ही हरामी और लड़के शरीफ। और गाइस ये लड़की जो है ना, ये वाली है, ये पता क्या बोलती है, मेरे पैसे तुम्हें पचेंगे नहीं, और लड़कों के पैसे खूब लूटती है। हमारे पैसे नहीं भाई, भाई ये राम बताइए, हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं भाई, पैसे उधार होता है, उधार की बात नहीं है, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई होती है हमारी भी, है राम बताइए। नहीं उधार नहीं रखा हुआ, लगा लगा राम भाई बताइए, ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। ये देखो कपड़ा मारती है जूतों पे, और कुछ कहना चाहेंगे आप? धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मेरे भी मार दे। इधर आओ, इधर आओ, इधर घुमाओ, मैं तो एक जादू दिखाऊंगी, देखो वो हिल रहा है, ये देखो मेरी जादू से पावर। चलो गाइस चलते हैं। ये तो एक्टिंग करके दिखाओ कोई खास। फिलहाल तो हम नवीन से परेशान है। क्यों? क्योंकि इसकी गली अभी जो घर बना भी नहीं है ना, हाँ। उसकी गली में ये बोर्ड लगवाना है, लगवाना और गल दिखाओ तो प्रधानमंत्री नंबर मत दिखाओ, लोग घर पहुंचेंगे। सही बात है। नहीं नहीं ये तो 12 नंबर है ना। हाँ तो अबे घर दोस्तों, ये राम कहता है वहाँ से जाके सेब चुरा लो। देखो गाइस ये चीकू, ये चीकू है कोको जलनकोरी से आलू बोलेंगे। और ये देखिए ये वो माल्टा, नहीं चकोतरा, चकोतरा ये चकोतरा है, तरबूज नहीं ये चकोतरा है, तरबूज तो वो है, वो गुलाब का फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह सॉरी वो व्हाइट वाले, और वो देखो लास्ट में वो जो रसगुल्ले रखे हैं व्हाइट कलर के, वाओ अमेजिंग। वो सफेद प्याज है, सफेद प्याज है, अलग ही हो रहा तुम्हारा। और ये नवीन है, ये पूरी तरीके से बातों में व्यस्त है, अपनी बाइक पर बैठ के ना कह रहे ये जमीन मेरी है और ये मैं लेके रहूंगा, और ये पीछे वाली ये मैंने बनवाई थी रोड। अंकल जी कह रहे हैं कि अंकल जी कह रहे थोड़ी जमीन हमें भी दे दो। और नवीन ने पता नहीं ये गाड़ी का इंडिकेटर भी चला रखा। बोल दिया आपको क्या, मेरे को मम्मी इसने जो जो उसमें अल्लू को मम्मी बोला, गजब। अब ये माँ बेटी का प्यार आपको दिखेगा अगले एपिसोड में, देखते रहिए भाई। फोन गिर जाता भी, कितने चले गोविंदा फूल बन के कख घर घर कमरा देख रहे, कमरा कौन सा कमरा। चलो गाइस आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको आगे ब्लॉग में। दोस्तों इतना ढूंढने के बावजूद भी कोई घर नहीं मिल रहा है हमें रेंट पे, हम बहुत परेशान हैं, और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, और ये पीछे तो देखो इन लोगों ने तो कैप लगा रखी है, और ये ठंड से बचने की पूरी कोशिश हो रही है, बट यार रियली बहुत ठंड है, गजब वाली ठंड है। तो देखते हैं अगर कोई और कोई रूम वगैरह मिल जाए, हम तो ढूंढ रहे हैं। अभी तक हमने दो तीन घर देखे, वो हमारी समझ नहीं आए, एक लास्ट वाला तो इतना हॉरर था, वो औरत ने पूरी मालाएं वगैरह इतनी पहन रखी थी, गजब कैसी, नहीं वो लग कैसी दीदी, नहीं वो लग वो हाँ मोनजोली का वैसी लग रही थी। चलो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों अनु और रास्ता भटक गए, देखो सामने से उनकी स्कूटी आ रही है, वो गलियों में भटक रहे, दोनों पता ही नहीं कहाँ आना है, ये देखो ये सामने से आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों, ये कहाँ जा रहे हैं, हमें लगा तुम लोग आगे निकल गए, आज ही निकलने का इंतजार कर रहे थे हम, तुम लोगों का पपलू अच्छा बना है यार। यार लहसुन हो रही थी, मैं तोड़ के ले जाऊं। हाँ किसी की तो प्राइवेट लहसुन तोड़ ले तू। दोस्तों यहाँ देखिए कितनी खेती हो रखी है, और चारों तरफ का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठंड में वही हालत खराब हो रही। अनु तो कह रही है मैं लैम्बोर्गिनी लूंगी। मैं एक बार बता दूं किसको, हाँ जब भूख लगे ना, हाँ
तो घर से खा गया, ये इस टाइम बहुत गंदी भूख रही है। और कितना हो रहा है? टाइम 3:30 होने वाले हैं। तो फिलहाल हम भूख से जूझ रहे हैं और अभी हम कमरा ढूंढ रहे हैं और शायद होपफुली मिल जाए, देखते हैं। एक बंदा हॉर्न मारते हुए जा रहा था स्कूटी का, नई गाड़ी थी। मैडम कहती है नया ट्रैफिक होगा, ये नहीं होगा नहीं तो हाँ नया अभी ट्रेंड नहीं होगा ये बोलना चाहिए। तो बंदी कहती है क्या नया ट्रैफिक होगा, यही रीजन है कि ये जो लड़की है ये कभी स्कूटी नहीं चलाती है। नहीं चला पाई ना, चला पाएगी पता नहीं कब चलाएगी। एक बार तो आई थी बड़ी मुश्किल से। 200 ये चार उंगली दिखा रहा है और ना ऐसे करके पावर रेंजर बन जाऊंगा। ये यार खतरनाक। अरे नवीन फिर से बाइक में बैठकर पता नहीं कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या हुआ? बहुत मेहनत करी यार आज यार। तो नहीं मिल रहा है कहीं पे कमरा? अभी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने से तो भैया भगवान ही मिल जाते हैं। भगवान जी तो नहीं मिलते हैं, पर मूर्तियां मिल जाती हैं। तो ये कह सकते हैं। दोस्तों फाइनली एक रूम पसंद आया है ना, बताओ। वाओ यू आर वायलेंट। तो वो जो रूम है वो है इन अंकल का, ये सरदार अंकल है, उनका रूम है। यहाँ नहीं है, ये तो इनकी शॉप है वेजिटेबल की। बट रूम हमने देखा है, देखा फिलहाल पैसों की बातचीत चल रही है कि कैसे क्या करना है, अपने हिसाब से रेंट हम करवाएंगे। और यहाँ पे ये शॉप है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने लीची का ठंडा जूस लिखा है तो ये डंडा क्यों लिख दिया यार? लीची का ठंडा जूस मतलब इतनी बड़ी जल्दी कोई कैसे कर सकता है, समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी तो हम बहुत थक गए हैं और ये क्या कर रहा है? हम लोग थक चुके हैं, 5 बज गए हैं और हम भूख लग रही है बहुत तेज। मन कर रहा है मैं इस आईफोन को चबा लूं। बताओ मुझे तो कड़ी चावल खाना है। इन्नू खाना है क्या? अंडा और चाउमीन। इन्नू खाना है कड़ी चावल और मेनू खाना है किसी का खोपड़ा। वो यहाँ है दुकान। ए गाइस इधर देखो, हम तीनों हैं बहुत ज्यादा भूखे, हम तीनों बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमें खाने को चाहिए। सबसे ज्यादा भूखी अन्नू है। अन्नू हमारे बराबर ही खा लेती है पर ये समझ नहीं आया हमसे भी ज्यादा काफी बार खा लेती है। भाई एक दिन मेरे घर रुकी थी, मैंने 2 परांठे खाए थे, अन्नू ने 3 खा लिए थे। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये मोटी क्यों होती है? डाइटिंग पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम हम लोग लड़ाई करके बैठे हुए, सब लड़ाई करके बैठे हुए थे, सबके घर वाले सबको गुस्सा कर रहे थे। तो अन्नू को पता नहीं यार भूख कैसे लगती है। मैं नाश्ता थोड़ा हैवी लेती हूँ और दिन में थोड़ा कम लेती हूँ, बट इसका पेट नहीं है यार, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है शरीर में, पर पता नहीं खाना जाता कहाँ इसका, समझ नहीं आ रहा कहीं तो जाता है। तो यार गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं और बहुत आज टाइम लग चुका है हमें, 5 से 6 घंटे लगे रूम ढूंढने में और तकरीबन हमने कम से कम 3 से 4 रूम पता किए हैं। तो अब हमें बस फाइनल करना है कि हमें कौन सा रूम में जो है रूम लेना है। और बाकी देखो आप, ये आप देख सकते हैं यार, एक बार दो ये बहुत ज्यादा देखो पतली है ना, पानी ज्यादा डाल। और गाइस तो यार आते आते हमने सोचा कि चलो समोसे गरम गरम और ब्रेड पकौड़ा और चाय, और हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था तो हमें ये वाला था कि जल्दी से रेडी टू ईट मिल जाए हमें। तो हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। हाँ तो अब हम ये खाने जा रहे हैं और हमारे साथ ऐसे ही ब्लॉग में आपको बने रहना और हम आपको ऐसे आगे भी मजेदार ब्लॉग्स वीडियो के थ्रू लाते रहेंगे। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन को और भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आगे से आप हमारे ब्लॉग देखते रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।